ব্রজভূষণ সিং এর ছেলে বিজেপি প্রার্থী করণ ভূষণ সিং এর কনভয়ের গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হলো বাইক আরোহী দুই তরুণের। গুরুতর জখম হয়েছেন এক মহিলা। পশ্চিম বিতর্কে এবার টিকিট পাননি বিদায়ী সাংসদ ব্রজভূষণ সিং। উত্তরপ্রদেশের কায়সেরগঞ্জ লোকসভা আসনে এবার তার ছেলে করণ ভূষণ সিংকে প্রার্থী করেছে বিজেপি। প্রচারে যাওয়ার পথে বিজেপি প্রার্থীর কনভয়ে থাকা একটি গাড়ি একটি বাইককে ওভারটেক করার চেষ্টা করে। গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয় দুই বাইক আরোহীর। বাড়ির সামনে বসে থাকা এক মহিলাকেও পিষে দেয় বিজেপি প্রার্থীর কনভয়ে থাকা গাড়ি। গাড়ির গতি এতটাই ছিল যে সামনের চাকা খুলে বেশ কিছুটা দূরে গিয়ে পড়ে। এয়ারব্যাগ খুলে যাওয়ায় গাড়ির আরোহীরা বেঁচে যান। बंगाल के युवाओं को मिलने वाले अवसर ये घुसपैठिए छीन रहे हैं। आपकी जमीन जायदाद पर वो लोग कब्जा कर रहे हैं। पूरा देश चिंतित है। बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी बदली गई है। इन लोगों ने सीएए का इतना विरोध क्यों किया? सीएए को लेकर इतना झूठ क्यों बोला? इतना झूठ क्यों फैला रहे हैं? लेकिन बंगाल में इन्हें अवैध घुसपैठियों को बचाना है। जो हिंदू शरणार्थी है, जो मतुआ समाज के लोग हैं, टीएमसी उन्हें यहाँ नहीं रहने देना चाहती। लेकिन आप चिंता मत करिए, 4 जून के बाद टीएमसी के इन सारे हथकंडों की हवा निकलने जा रही है। हमारे मतुआ समाज, नामशूद्र समाज को उसके अधिकार मिलकर के रहेंगे, ये मोदी की गारंटी है। सभी शरणार्थियों को आन बान शान के साथ भारत की नागरिकता मिलेगी, ये मोदी की गारंटी है।